मन्नावर खलकाट स्टेट हाईवे 38 पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से सड़क के दोनों ओर अतिरिक्त चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण विश्व बैंक के सहयोग से कर रहा है, लेकिन इस चौड़े मार्ग पर जहां वहां बड़े वाहन खड़े करने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। वाहन सड़क किनारे खड़े करने की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता दिलीप सिंगारे और रहवासियों ने बड़े वाहनों को हटवाने के लिए SDM व पुलिस थाने पर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यहां क्षेत्र में 2 बड़े सीमेंट उद्योग होने के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन गुजरात महाराष्ट्र की ओर आने जाने वाले करीब 1000 बड़े बल्गर ट्रक दिन रात इसी मार्ग से निकलते हैं। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। मैं राधेश्याम मोहल, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर, जिलाधार द्वारा अल्ट्राटेक के भारी वाहनों का मनावर शहर में सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्रवेश निषेध है, लेकिन अल्ट्राटेक के बड़े बड़े जो ट्राले और कंटेनर दिन भर मनावर शहर में निकलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। साथ भी सागर सीमेंट लिमिटेड के ट्राले और जगदीश कंस्ट्रक्शन के ट्राले एकदम रोड पर खड़े होते हैं। मैंने इसकी कई बार शिकायत की है, CM हेल्पलाइन में भी की है, लेकिन कोई भी रोकने के लिए आज आगे नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।